हेलो फैमिली, सुबह की सबको गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके एंड वंदना व्लॉग्स पे। आई होप कि आप सब मस्त और अच्छे होंगे। अब सुबह की शुरुआत हो गई है, आज तारीख हो गई है 11 और दिन हो गया है, कौन सा दिन हो गया, थर्सडे का यानी बृहस्पतिवार का। तो आज राखी नहीं मनाओगे? आज भी है, कल भी है, समझ में नहीं आ। तो हमने घर पे गांव में यानी अपनी मम्मी से बात किया है, तो उन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ गांव में जो राखी 12 तारीख को मनाया जा रहा है, तो हम लोग सोचे थे 11 तारीख को मनाने के लिए, लेकिन हम 12 तारीख को राखी मना रहे हैं। और इन्होंने भी अपने घर पे मायके में बात किया, तो वहाँ भी लोग 12 तारीख को ही राखी मना रहे हैं, तो हम लोग भी 12 तारीख को राखी मनाएंगे ना जी। काफी कंफ्यूजन हो जाता है, और हम लोग मोबाइल में भी देखे, कोई 11 को बता रहा है, कोई 12 को बता रहा है, कोई 12 बजे बता रहा है, कोई 5 बजे बता रहा है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। और ऋषभ उठ के अपना देखो इधर ब्रश मंजन कर रहा है, बैक कैमरा क्या इसका पेस्टोविक हो जाता है, तुम्हारी मम्मी रखी होगी। यही वाला कर लो। ऋषभ अपना क्लोजअप ढूंढ रहा है, तो इसका क्लोजअप जो है इसके चाचा लेके चले गए, और ऋषभ कह रहा मैं यही करूंगा क्लोजअप ही, चलो दूसरा दिला देंगे, जाने दो। नया चाहिए? कह रहा नया चाहिए, चलो अभी दिलाते हैं। दोस्तों फैमिली, हमारा सुबह का नाश्ता हो गया है, और हम लोग रक्षाबंधन अब 12 तारीख को मनाएंगे ना जी। इनका तो कोई पता ही नहीं रहता। तो हमारी एक YouTube की मेंबर है, और यानी हमारी फैमिली ही समझिए, उन्होंने कमेंट किया था, भैया ऋषभ इतना प्यारा है, इतना क्यूट है, इसको किसी फिल्म में दे दीजिए, सीरियल में दे दीजिए, तो कितना अच्छा बोलता है ना ऋषभ, देखे इधर देखे, अच्छा बोलता है, सुंदर है, स्मार्ट है। तो प्लीज अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो मूवी में, सीरियल में या किसी वेब सीरीज में, बच्चों को अगर जैसे कि बहुत लोग जो सुंदर होते हैं, चेहरे भी स्माइलिश होती है, और बोलता भी अच्छा है ना, तो इसको हम लोग देने के लिए तैयार है। मैं नहीं आने आएंगे, मैं नहीं आऊंगा। इधर देखो, नहीं जाओगे? ऋषभ चल दिया मूवी शूटिंग में काम करने। ऋषभ जा रहा है शूटिंग करने, चलोगे मूवी में? सीरियल में एक बार तो कोई आया था, मांग रहा था, नहीं दिया, छोटा सा था। मम्मी मम्मी मुझको परी मिलेगी, ऐसे बोलोगे? बेटा आपको परी, अरे ये परी क्या, आपको आप बड़े हो गए ना, खूब सुंदर से परी मिलेगी, जो आएगी खाना बनाएगी, हमारी सेवा करेगी। अच्छा, हाँ। इनका सेवक बहू आएगी, सोचो बेटी थी, बेटी से माँ बन गई, माँ से सास बन जाओगी, सास से फिर दादी बन जाओगी, कैसी जिंदगी है यार। मेरा एक बेटा है, सब इसके नाम करते, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दो हमारे दो, बेटी को थोड़ा बहुत दे देंगे, लेकिन बेटा को सब कुछ। अच्छा, और क्या, बेटी काली है, बेटी काली है, मम्मी तो काली है, बेटी काली है, बेटी काली है। अच्छा तू गोरा है, तो हम तो कहला दे जाए, जो काली बाबू दे हो जाए। अच्छा, हमारे एक बच्चे एक बेटी है, कभी इनके बच्चे होंगे तो किसको चाचा कहेंगे, किसको मौसी कहेंगे। हाँ यार, सही में ऐसे तो रिश्ता ही खत्म हो जाएगा, रिश्ता ही खत्म हो जाएगा, एक और पैदा कर लेते हैं। ताकत ही नहीं, हिम्मत ही नहीं शरीर में, सही है यार, जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए, वैसे भी इतनी आबादी बढ़ रही है हिंदुस्तान में, करने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, किसी को लड़का लड़की नहीं, किसी उधर से झगड़ा नहीं होगा, भाई भाई में आजकल देख रही है, एक के बाद तब जमीन जायदाद के लिए झगड़ा नहीं होगा, एक के बाद शादी के दो मियां लेके बीवी अलग हो जाएगी। अच्छा, एक लड़का होता है ना, वो क्या होता है ना, बहुत खराब निकलता है, यानी तब क्या खाओगे? ट्रेंगल क्या होता है? तो गाइस मैं ड्यूटी के लिए निकल रहा हूँ, और जाते जाते मेरे पेट में गैस बन गया था, तो अभी इनो पियो, थोड़ा आराम लगा हुआ है। पीछे जाओगे ना, वहाँ बगल दुकान में 10 रुपए दे देना। किस चीज का? मम्मी सामान ली थी, पैसे नहीं दे। अच्छा ठीक है, बाय ऋषभ बेटा।
बाय सुना अच्छी बेटा। क्या बोल दिए? बोलिए 10 रुपए का सामान लिए थे ना। तो मम्मी ने बाय लिली। अरे लिए हैं। बाय करो। बाय। चलो बंद करो दरवाजा अंदर से। मुझे नहीं बंद करने आता। सो गाइस चलते हैं हम जा रहे हैं नीचे से एरियल लेने। तो बंगल ऋषभ बंद मत करो, आ रही है दीदी चलो। सो फैमिली आज 11 तारीख हो गई है और मैं अपनी कार चला रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ दिल्ली में काफ़ी लोग 11 तारीख को रक्षाबंधन मना रहे हैं और मैंने घर पे फ़ोन किया था तो मम्मी ने बोला हम 12 तारीख को यानी कि कल हम लोग रक्षाबंधन मना रहे हैं और वंदना जी ने अपने मायके में फ़ोन किया तो वहाँ भी 12 तारीख को यानी कि 12 तारीख को लोग ज़्यादा मना रहे हैं, 11 तारीख को कम मना रहे हैं। तो मैं अपना ड्राइव कर रहा हूँ, लोगों को पहुँचा रहा हूँ जहाँ जिसको जाना है। तो नेक्स्ट पिकअप के लिए मैं खड़ा हूँ और कस्टमर का वेट कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। A few moments later. ना जी ने गजरा मंगाया तो मैं चल रहा हूँ मार्केट में देखता हूँ। सो गाइस वंदना जी ने गजरा मंगाया था और मैं ले लिया हूँ, कल वो लगाएंगे अपने बालों में तो मैं ले लिया हूँ, बताता हूँ फिर। चलिए रोड क्रॉस करता हूँ पहले। सो फैमिली वंदना जी ने फ़ोन किया था कि आते टाइम मेरे लिए गजरा लेके आना तो मैंने गजरा ले लिया है और ये देखिए, और मैंने ये मुझे 50 रुपये का 2 गजरा मिला हुआ है, काफ़ी अच्छा है। और ये छतरपुर में मार्केट है फूलों की तो यहाँ बहुत अच्छे से मिलता है। चलते हैं फटाफट घर पर, शॉपिंग भी करना है, बहुत लेट हो रहा है। तो फैमिली यहाँ देख सकते हैं मैं वंदना जी के लिए गिफ्ट लाया हूँ, ये लीजिए अपना प्यारा सा गिफ्ट। ये गिफ्ट हम कल बताएंगे क्या है। गजरा। तो मेरा ब्लॉग कल ही आएगा, आज थोड़ी आएगा। ये लाए हैं प्यार से बालों में गजरा लगाएंगे, मेरा मन कर रहा था। 60 रुपए का 2 बता रहा था तो 50 रुपए का दिया है। ठीक है, हम बोले कि 40 रुपए हम लिए थे, कह रहा नहीं अरे पन्नी में से निकालना मत, अच्छे से बोला गट्ठी लगा के फ्रिज में रख दो ताकि इसकी खुशबू ना निकले। नहीं तो गट्ठी लगा दो ना अच्छे से, या देखो खुशबू निकल जाएगा उसका। तो क्या करेंगे, कौन सा चमकाना है। अरे यार लगाओगे तभी तो पूरा गम घर में आके, कल वंदना जी दुल्हन की तरह तैयार होंगी और हम दूल्हे की तरह। नहीं जी मैं मन कर रहा गजरा लगाने के लिए। हम तो निकल जाएंगे काम पे कल की, क्योंकि रक्षाबंधन है ना तो बहुत ही काम रहता है, किसी को आना किसी को जाना, गाड़ी की कमी ना पड़े रोड पे, इसलिए हमें भी रोड पे पानी अपनी ड्यूटी बजानी पड़ेगी। सोनाक्षी कल तो ऋषभ पानेगी, सब क्या देगा गिफ्ट भी नहीं, चलो शॉपिंग कर। चलो जल्दी टाइम नहीं है क्या, आज मार्केट 11-12 बजे तक खुला रहेगा। चलो तो वंदना जी पानी दे दिए, पी लेते हैं फिर फटाफट मार्केट में चलते हैं, फ्रेश हो। सो फैमिली ऋषभ के चाचा चले गए तो ऋषभ काफी रो रहा है, क्या हो गया। तो ये देखिए, अरे वाह राखी, ऋषभ की तो एक और बहन मिल गई। चॉकलेट दे दिए थे हम, मैम को बोले थे कि सब चॉकलेट लाया है फ्रिज में रख देना, कहें ठीक है। फ्रिज में रखी थी क्या मैम, नहीं रखी थी, गल गया था क्या। हाँ। वो खाई थी तुम्हारे सामने जिसको दिए थे। घर जाके खाएगी। अच्छा तुम शरमा रहे थे क्या जब राखी बांध रही थी। आप शरमाते हो क्या। सो फैमिली मैं आते ही मुंह हाथ धो के रेडी हो गया हूँ और वंदना जी तैयार हुई हैं तो लेटी हुई हैं, दिखाते हैं बैक कैमरा करके। चलोगी कि लेटी रहोगी। आप कब को मुझे बुलाई थी बताओ मुझे ना। आप आए 8:30 बजे, तो रोड पे कितना जाम है ये भी तो देखो, त्योहार का टाइम है, राखी दिलाना है, कौन सा कपड़ा खरीदना। हाँ जाओ सब आपके इंतजार में बैठे हैं। ओहो लिलिया को 50 रुपए मिला है, खुश है। जाओ सहनाज को दिखा दो। हम तो दवाई देखा था ना, तबीयत इतना खराब नहीं रहती, दवाई दूर रह चाहिए था। चलो यार अभी जाओ, अभी देख घंटा आने में लग जाएगा, दवाई बहुत खा चुकी है। लिलिया भी जाएगा क्या, देखा
चलोगे क्या? मत जाओ, यहीं रहो। मम्मी आई थी क्या? उनका तबीयत खराब लग रही, देखे आ रही। अच्छा। हाँ यार अभी बाप रे। हाँ तो। अब दोहना ही देखे आई थी। तो और तबीयत तो खराब था। अरे हमारा तो चलता फिरता, उमा थकान लो तबीयत खराब रहता है ना। मान्यता कम है तुम्हारे घर में तुम्हारी। नहीं जी, मैं भी बीमार रहती थी बहुत करे मम्मी हमार। जैसे मेरे घर में मेरी मान्यता कम है। ऐसा कुछ है। ए भारत है। चलो यार दिन पूरा।